आपको दिखाया कि जो छोटे बच्चे हैं ज़हनी तौर पर माजूर हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, हमने आपको दिखाया कि जो लोग हैं माजूर हैं फिज़िकली वो कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग हीरोज़ हैं। और अब हम दिखाएंगे खेल। हमारा पाकिस्तानियों का फेवरेट खेल होता है क्रिकेट, सब हम पूरे पाकिस्तान यूनाइट हो जाते हैं क्रिकेट जब ऑन होता है। ये अभी मैं मौजूद हूँ अभी क्रिकेट पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम के साथ, और बिल्कुल आप अगर मेरे पीछे देखें वो सब ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये सब मिलजुल कर आकर, किसी की पैर नहीं है किसी का हाथ नहीं है मगर ये सब यूनाइट होकर खेलते हैं और ये इंटरनेशनल मैचेस भी खेलते हैं। और अगर इनकी बातें आप सुनेंगे आप बहुत इंस्पायर हो जाएंगे क्योंकि ये भी हमारे मुल्क के हीरोज़ हैं। तो हम अभी ट्रेनिंग देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे खेलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे। आपका क्या नाम है? फजल खान अफरीदी है आपका नाम। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कैसी सहूलतें हैं और यहाँ पर कैसे ट्रेन किया जाता है आपको? यहाँ पे बस माशाल्लाह सहूलत भी अच्छी है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी रही है। और ये कैसे हुआ था? ये बचपन हुआ था, छत से गिर गया। अच्छा, कितने साल के थे आप? 6 साल का था। 6 साल का। तो बहुत से माजूर जो लोग होते हैं वो तो समझते हैं कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं, मगर आप लोग में वो नहीं नजर आता। कैसे? बस शुरू से ऐसे थे? शुरू से बस। और आप मुझे बताइए कि आप काम करते हैं? नहीं, हम काम नहीं करते, बस सिर्फ सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, क्यों काम क्यों नहीं करते? बस काम कुछ है नहीं, बस बड़े भाई हैं हमारे बस। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हम देखेंगे आपकी बॉलिंग, ठीक है? ओके, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा ये आफरीदे की कज़न है और ये यहाँ पे क्रिकेट सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमने दिखाया नहीं है कि वो बॉलिंग करते हुए बैटिंग करते हुए, जिनके पास हाथ नहीं है वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिनके पास पैर नहीं है वो बैटिंग कर रहे हैं। एंड इतने अमेजिंग ये प्लेयर्स हैं, इतने इंस्पायरिंग हैं कि आपकी ज़िंदगी इनको देख के या इनकी कहानियाँ सुन के बिल्कुल बदल जाएगी। अभी हमने एक आदमी से बात की, उनकी अब बॉलिंग भी देखेंगे हम। अब देखते हैं वहाँ पर, अगर आप देखें, ये देखें नाज़रीन, वहाँ पे एक क्रच पे लेके यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है कैचिंग की शायद। और ये अभी इनकी कैच देखना, ये माजूर हैं और मगर ये अब इनकी कैचिंग प्रैक्टिस होगी, अब देखना है कैसे कैच करते हैं। नाज़रीन, इनको कुछ माजूरी जो है कुछ नहीं रोक सकती क्योंकि इनके अंदर वो है जोश एंड जज्बा, एंड उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है अपने आप में, एंड सबसे बढ़ के उनके अंदर एक लव है फॉर क्रिकेट। और अभी हम एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? बदर अली। बदर अली। अच्छा बदर, आप मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको क्रिकेट खेलते हुए? आपकी पैर में पैर खराब है ना? जी। आपका पैर कैसे खराब हुआ? ये पोलियो हुआ है बचपन में। पोलियो हुआ था, ठीक है। और फिर आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी? फिर मुश्किल तो आई होंगी बीच में? मेरी बात है, लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है, वालदे और भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया था। स्कूल पढ़ा आपने? जी, स्कूल तो नहीं पढ़ा, घर के हालात कुछ ऐसे ही थे। अच्छा, काम पे लगे थे बचपन में। अच्छा, क्या काम करते हैं? लेडीज टेलर हूँ। टेलर है जी। पाकिस्तान में माजूरों के लिए क्या चेंज करना चाहिए? पाकिस्तान में तो कुछ चीज चेंज नहीं हो सकता तकरीबन, जितना तो लग रहा है आजकल, लेकिन अगर माजूर कुछ चाहे तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? यही खुद को आगे करने का ही सोचे, पीछे रहेंगे तो पीछे ही रहते रह जाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने मैसेज दिया है कि माजूरों को कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और हर चीज़ करनी चाहिए कि वो आगे निकले, क्योंकि ऐसे ही वो फुटबॉल भी खेलते हैं, उनकी टांग ख़राब है, उनको पोलियो हो गया था जब वो छोटे थे और अब वो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ऐसे ही सब माइंड में भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, ज़हनी तौर पर अगर आप सोचें आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और लोगों से बात करते हैं, अभी तक प्रैक्टिस चल रही है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रैक्टिस हो रही है और अभी शुरू होने वाली है। और ये जो वो अगर आप वो दिखाएं तो वो क्रिकेटर हैं, उनके पास वो बैटर हैं और उनके पास एक टांग नहीं है, मगर वो ऐसी बैटिंग करेंगे जैसे आपको पता भी नहीं, महसूस भी नहीं होगा कि वो माजूर है। वाओ नाज़रीन, आपने देखा कि जो फरहान है उनकी भी टांग ख़राब है मगर वो उन्होंने बॉलिंग करवाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान, मैंने देखा कि आपने जो भी बॉलिंग करवाई किसी बैट्समैन ने मारा नहीं जी, अल्लाह की मोहब्बत। आपने कैसे सोचा कि मैं डिसेबल टीम ज्वाइन कर लूँ? ये मुझे बहुत शौक था, मैं देखता था। हाँ। कि हमारी पाकिस्तान की टीम
तुम्हें बोलता था यार काश मैं ऐसा ही होता तो मैं भी खेलता। तो मैंने एक तरह टीवी पे देखा, चैनल पे नेट पे चेक किया, तो फिर मैं यहाँ आ गया। और आपको पता है कि 3 दिसंबर को माजूरों का आलमी दिन है ना, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माजूर लोगों को? मैं यही देना चाहूँगा जो मेरी तरह है और मेरे जो उनको मायूस नहीं होना चाहिए, अगर वो क्रिकेट का शौक रखते हैं तो यहाँ के अपना शौक पूरा करें, और अगर ऐसे बैठने से फायदा नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक और चीज़ जो हमारे माशरे में आप खुद की भी प्रॉब्लम्स होती होंगी कि ट्रैवल कैसे करते हैं और जब बाहर जाते हैं लोग तंग भी करते हैं। जी बिल्कुल है, वो है जी, मतलब कि तंग करते हैं लोग। जी तंग करते हैं, तंग करते हैं। तो ये हमको रवैया बदलना चाहिए, ये आवाम सोच ले तो फिर क्या से क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोचता ही नहीं है। हाँ, आप हीरो हैं आपको पता है जी, पाकिस्तान के जी, आप जैसे लोग जी, है ना। चलें, आप फखर करते हैं हमने आपसे? जी बिल्कुल फखर करते हैं। अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? शफी पटनी। शफीक, हमने आपको देखा बैटिंग करते हुए तो काफी मुश्किल लग रहा था, आप एक लेग पे बैलेंस थे और फिर बैट भी उठाया हुआ था, अपना क्रच नीचे रखा हुआ था। ये नहीं हुई मुश्किल, बिल्कुल आसानी से हो जाते, बिल्कुल आसानी से हो जाते। ये सब अल्लाह ताला की करम होते हैं, अल्लाह ताला ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया हमारे में कि हम इतना काम कर लेते हैं। अच्छा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कैसे? ये मुझे हमारे मोहल्ले में एक मौजूद था, उसके दोनों हाथ नहीं थे लेकिन वो प्लम्बर का काम करता था, उसके बारे में एक्सपायर हुआ था कि मौजूद है लेकिन दोनों हाथ नहीं है, उसके बाद प्लम्बर का काम कर रहा था वो, उसको देख के उन्होंने सीखा। आपके मोहल्ले में? जी मेरे मोहल्ले में। क्या सीखा आपने? मुझे ये सीखा कि कोई भी काम में अगर हिम्मत जस्तुजू हो तो काम पूरा हो सकता है। मैं तमाम उन माजूरों को मैसेज देना चाहूँगा, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, हिम्मत हौसले से काम करें, अल्लाह ताला इनको अचीवमेंट देता रहता है। क्या नाम है आपका? गुलाम सखी। गुलाम सखी, आपने अभी बैटिंग की है? जी। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं आप। जी। तो आप मुझे बताइए कि आपकी टांग खराब थी? नहीं, हाथ खराब है। हाथ खराब है जी। ठीक है, वो मुड़ता नहीं है, है ना? बिल्कुल। कितने सालों से खेल रहे हैं? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और यहीं पे खेले जा रहे हैं? नहीं, यहाँ जब से डिसेबल शुरू हुआ 3-3.5 साल हुआ है। हाँ। शुरू हुआ जब से हम यहाँ पर आए। पहले कहाँ पे खेलते थे? पहले अपने इलाके में खेलते थे, गली में जी। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम। फरहान, आप मुझे बताइए कि आपका गेम जो है आप ऐसे करके जाते हैं बॉलिंग कराने, तो कैसे करते हैं आप ये? मतलब मैं वो शुरू से बचपन से शौक था बॉलिंग कराने का, लोग मुझे समझते थे कि आप ना आपकी स्टिक स्लिप हो जाएगी, आपके हाथ में झटका आ जाएगा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। आन डिसेबल जो लोग होते हैं वो अपने आप को मायूस समझते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को भी मायूस नहीं समझा। मैंने अपना ये सोचा कि मैं दो पैर वालों से लाख दर्जा अच्छा हूँ, और मैं कॉन्फिडेंट मेरे अंदर इतना है कि मैं जो सोच लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ। और फरहान, आप मुझे बताएं क्या हुआ था आपकी टांग? मैं अब 2 साल का था तो मेरे को ना पोलियो कतरे ही लगे थे, तो इस वजह से मेरे बुखार हो गया था, मुझे हवा लग गई। हुकूमत को क्या करना चाहिए माजूर लोगों के? हुकूमत को चाहिए कि जो माजूर हैं उन लोगों को उनकी सहूलतें पूरी करनी चाहिए। जिस तरीके से माजूर लोग समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कोई ऐसी नौकरी दें जो ये कर सके। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जो दो पैर वाले कर सकते हैं काम वो माजूर लोग नहीं कर सकते काम, लेकिन वो आराम से कर सकते हैं काम, उनको जो मिलना चाहिए। जी। और आप जॉब करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। क्या करते हैं? गारमेंट्स में मैं चेकर हूँ। जी। नाजरीन, अब हमारे साथ कोच मौजूद हैं डिसेबल क्रिकेट टीम के, फजीउद्दीन साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे मैनेज करते हैं इन सबको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। आप मुझे बताइए कि ये सब टीम इतनी मोटिवेटेड है और इतने जोश और जज्बा से खेलती है, तो आपने ये कैसे कायम किया और रखा? असल में जब हमने इसका स्टार्ट लिया गेम में तो प्लेयर तो उस वक्त कम आए थे। हाँ। लेकिन जितने भी आ रहे थे इंटरेस्ट आ रहे थे, और जो हमने काम किया वो तो फिर डे बाय डे प्लेयर बढ़ने लग गए। और जो नॉर्मल प्लेयर जितना इंटरेस्ट लेते हैं और जितने शौक से आते हैं उससे ज़्यादा शौक से ये लड़के आते हैं। और इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस भी खेले है ना? ये सिंगापुर और हमने मलेशिया का टूर किया था, वहाँ पर हमने 6 मैचेस खेले थे, 3 मैच जीते थे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लड़कों ने किए। और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आलमी दिन पे माजूरों का? मैं तमाम उन लोगों को जो ये स्पेशल पर्सन हैं और ये लोग हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने आप को माजूर ना समझें, बल्कि जो इनमें सलाहियत है, जो वो कुछ कर सकते हैं किसी भी फील्ड में वो आ गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स क्यों ना हो, और वो लोग जो साहिब हैसियत है और जो वो कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं स्पेशल पर्सन के लिए, वो उनको सबको आगे आना चाहिए, हुकूमत को भी आगे बढ़ के तमाम इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। नाजरीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं डिसेबल क्रिकेट टीम के
प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब और इनसे बात करते हैं, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस से ये उन्होंने टीम शुरू की है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सलीम साहब। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपने क्या मोटिवेट हुए, आप किस चीज़ से मोटिवेट ये है कि बचपन से हम क्रिकेट खेलता था मैं। डिसेबल लोग होते हैं ना, वो थोड़े से शाय होते हैं, वो निकलते नहीं है बाहर। अगर उनके अंदर कोई क्वालिटी भी होती है ना तो उनको कुछ उनको निकालनी पड़ती है। ये मुझे अंदाजा था। अभी भी जहाँ हमने इंटरव्यू किया सबके, इतना जोश, इतना जज्बा, और कुछ तो सिवियरली माजूर हैं, मतलब चल भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं काम करे, पैर भी बंद, फिर भी बॉलिंग जो कराते थे उनका उनका बॉल कोई नहीं कर सकता था। देखिए उन बच्चों को हम इसलिए लेते हैं कि उनको ये फील ना हो कि यार हमें दूसरों को खिलाते हैं हमें नहीं खिलाते, तो उनका एक अंदर से जो एक खुशी होती है ना, खुशी हमको हम देख के ना हम भी खुश होते हैं। क्या मैसेज होगा आपका डिसेबल डे पे? मैं कहता हूँ कि हर जैसे शोबिज है उसमें एक्टिंग में भी उसका एक किरदार होना चाहिए। हर 15-20 दिन में जब आप किसी कहीं किसी जगह किसी को भी बुलाते हैं तो डिसेबल लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिएटिव हैं। आप उनको ढूंढें, उनको बुलाएं, उनको टीवी पे लाएं और माशरे के अंदर उनको मुकाम दें। अभी जो है आपने प्राइवेटली रन कर रहे हैं, कोई आपको फंड नहीं कर रहा? नहीं, कोई फंड नहीं फंड कर रहा, आप खुद रन कर रहे हैं? मैं हूँ, मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं मेरे। ठीक है, मगर और कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ है अभी तक? मैं गवर्नमेंट में बिलीव ही नहीं करता। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, ये अभी मैं देख रही हूँ ICC सेंचुरियन अवार्ड। जी जी, ये बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ 50 लोगों को मिली अब तक। बस ये मेरी खुश नसीबी है कि मैंने, अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम करा लिया। अब आप मुझे बताइए कि आपका 3 दिसंबर माजूर लोगों का आलमी दिन होता है, आपका क्या मैसेज है? कि जिसके घर में भी हो, कोई नहीं होता है, अल्लाह एक चीज ले लेता है 100 चीज दे देता है, तो डरने की नहीं होती। उसको उसके ऊपर उसके पैरों पर खड़ा करे, उसको पढ़ाए, उसको लिखाए और उसको माशरे का हिस्सा बनाए। नाज़रीन, आज माजूरों का आलमी दिन है। 3 दिसंबर को पूरे दुनिया में माजूरों का दिन होता है। पाकिस्तान में माजूरों के सूरत हाल क्या हैं? हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है कुछ अम्मी अब्बू जो हैं, जिनके माजूर बच्चे होते हैं, पैदाइशी माजूर होते हैं, वो ईदी होम्स में छोड़ के चले जाते हैं अपने बच्चों को। मगर हमने दूसरी तरफ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई कि पाकिस्तान में क्या क्या काम हो रहा है माजूर लोगों के लिए। हमने दिखाया कि जब छोटे बच्चे होते, अगर जो ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि आप उनको बिल्कुल छोड़ दें, स्कूल में पढ़ाई नहीं करवाएं या कुछ भी नहीं कराएं, उनको तो ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है। आपने देखा कि ये बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, और फिर हमने आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जो मेरे ख्याल से हीरोज़ हैं, उन्होंने अपनी तकदीर बदल दी है। इवन दो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम होती हैं, मौके इतने कम मिलते हैं, जो बिल्कुल फुली एबल भी होते हैं, गुर्बत इतनी हो गई है यहाँ पर, मगर ये जो माजूर लोग हैं उन्होंने अपना काम चला के, अपनी तकदीर बना के पूरे अपने आप को सपोर्ट करें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, ये हमारे हीरोज़ हैं, इनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमने देखा कि अगर बस पे यहाँ पे कोई माजूर लोग चलते हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता। क्यों नहीं करता? बाहर के मुल्कों में तो ये नहीं होता, हमारे अंदर से वो एहसास ख़त्म हो गया है, ये हमको वापस दोबारा जो है पैदा करना पड़ेगा। और हमने ये भी देखा कि ये डिसेबल क्रिकेट टीम कैसे अपनी कैसे सिंसियर है, कैसे पैशनेट है, कैसे जोश और जज्बा दिखाती हैं जब वो अपना गेम खेलती हैं। हमने देखा कि वो अपने आप को कोई कम नहीं समझती, जो वो कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हम फुली एबल लोग से भी बेहतर हैं। आपको हमारा प्रोग्राम आज का कैसा लगा, आप हमें ईमेल करके बताएं aka@sama.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए आवाम की आवाज़ की टीम और सारा हमीद को इजाज़त दीजिए। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।